हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल राय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टार्टअप मनी। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बीटा, अबाउट द बीटा। बीटा क्या होता है, बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी का। आपने किसी शेयर के जब फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप उसके सेक्शन में मनी कंट्रोल देखते हैं या फिर आप अपने स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट से फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं, तो आप क्वेश्चन देखते हैं बीटा। बीटा क्या मतलब क्या होता है भैया, ये तो बता दे कोई। तो आज हम वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। सो गाइस, एक एक करके सारी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपको इसके बाद कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बीटा का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। तो गाइस, जो बीटा होता है ना, बीटा क्या बताता है, बीटा रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सिक्योरिटी मूवमेंट एंड मार्केट मूवमेंट। मतलब एक सिक्योरिटी की मूवमेंट में क्या चेंजेस आएगा विद रिगार्ड टू द चेंजेस इन द मार्केट। अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट 10% बढ़ रही है, तो उसका सिक्योरिटी पे कितना परसेंट चेंजेस आएगा। मार्केट 10% डाउनफॉल है मार्केट में, तो सिक्योरिटी के में कितना चेंजेस आएगा, कौन बताता है, बीटा बताता है। बीटा एक सिक्योरिटी का अगर मैं बात करूँ, ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है विद रिगार्ड टू द मार्केट। मार्केट से ही प्रोपोर्शन में होता है हमेशा निफ्टी या सेंसेक्स, और ये बीटा रिफ्लेक्ट करता है सिस्टमेटिक रिस्क। अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। तो रिस्क अगर बात करूँ मार्केट में, रिस्क कैन बी अ टू टाइप, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क आर दोज रिस्क विच आर सेक्टर स्पेसिफिक, सो दिस रिस्क आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंपनी। ये किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी को नहीं इफेक्ट कर रही, बल्कि सारी कंपनी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई, गवर्नमेंट सडन चेंजेस आ गया, गवर्नमेंट ने कोई कोई वॉर हो गया आपकी कंट्रीज में, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी कोई एडवर्स लेके आ गई गवर्नमेंट, तो ये क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं इफेक्ट करेगा, सारी कंपनी के शेयर प्राइस आपको देखेंगे गिरते हुए, क्योंकि लोगों को नहीं पसंद आया गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन इम्पोज हो गया, तो उस दिन सब सारे शेयर में आपको इफेक्ट देखा, ना कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। अनसिस्टमेटिक रिस्क आर दोज रिस्क विच आर कंपनी स्पेसिफिक। कंपनी इसको स्ट्रैटेजी बना के इसको क्या कर सकती है, इसको एलिमिनेट कर सकती है। जैसे मान लो कंपनी के, लेट सपोज कंपनी हैव मैच्योर डेट बट कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन देयर रिपेमेंट, उनकी इंटरेस्ट में रिपेमेंट या प्रिंसिपल की रिपेमेंट में कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी के की मैनेजर पर्सनल्स ने रिजाइन कर दिया कंपनी से। दीस आर द एग्जाम्पल एंड इट कैन बी एन नंबर, देर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। आपके कोई इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कोई एक दो एग्जाम्पल, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल हो सकते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क के। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क आर सेक्टर स्पेसिफिक, ये सारे कंपनीज अफेक्ट करते हैं। तो बीटा हमेशा किसको रिफ्लेक्ट करता है, बीटा ऑलवेज रिफ्लेक्ट सिस्टमैटिक रिस्क। अब इंटरप्रिटेशन की बात करें, कि अगर आप मनी कंट्रोल या फिर कहीं किसी शेयर के एनालिसिस कर रहे हो, वहां आप देखते हैं बीटा अगर इसका 1.82 है, 1.6 है, तो व्हाट डज इट मीन। सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हमने इंडसइंड बैंक का बेसिकली यहां पे लिया है, इंडसइंड बैंक का बीटा करेंटली 1.82 चल रहा है, तो व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स कि इफ़ मार्केट मूव्स अप, मतलब मार्केट राइज होती है बाई 10%, तो इंडसइंड बैंक का शेयर 18.2% राइज देखने को मिलता है, और अगर मार्केट 10% फॉल करती है, तो हमारे इंडसइंड बैंक का शेयर 18.2% गिरता है। अब आप ये बोलोगे, सर ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि हम तो देखते हैं शेयर में मार्केट बढ़ता है, फिर भी इंडसइंड बैंक गिर रहा होता है, मार्केट गिर रहा होता है किसी ट्रेडिशन में, बट इंडसइंड बैंक बढ़ता ही रहता है, ऐसा क्यों। तो कहते हैं कि हम जब बीटा की बात कर रहे हैं, तो बीटा कभी भी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में नहीं होता। फॉर बीटा हम एटलीस्ट 1 ईयर का डाटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल मेजर है। अगर मैं बात करूँ कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन इसकी अलग ही है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी, ठीक है, उसका वो स्टैट्स डेट इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अभी तो हम बात करें बीटा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बीटा के कैलकुलेशन के लिए हमेशा हम डेटा एटलीस्ट फॉर द 1 ईयर लेंगे, ठीक है। सैम्पल साइज हमारी हायर होगी, जितना उतना अच्छा हमारा बीटा निकल के आएगा, उतना अच्छा हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। और बीटा ऑफ मार्केट हमेशा 1 होगी, इसलिए मैंने 10% लिया, ठीक है। बीटा ऑफ मार्केट हमेशा 1 होती है, सिक्योरिटी की बीटा 1 भी हो सकती है, बिलो द 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 हो सकती है। 1 है तो हम कहते हैं कि इन प्रोपोर्शन राइज हो रही है विद द मेगा मार्केट, लेस देन 1 है तो मैंने कहते हैं कि ये लेस रिस्की स्टॉक है, ठीक है, और मोर देन 1 है तो हायर रिस्की स्टॉक है, ठीक है। अब ये तो है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा, कि अगर बीटा 1.82 है, तो मतलब इंडसइंड बैंक 1.82 टाइम्स मोर रिस्क ले रहा है एज कम्पेयर टू मार्केट। तो मार्केट 10% बढ़ रहा है, तो ये 18.2% बढ़ रहा है, मार्केट 10% गिर रहा है, तो हम देखते हैं कि विद इन ईयर ये 18.2% डाउनफॉल देखने को मिल जाता है शेयर में, ठीक है। अब डिसीजन क्या लें हम ऑन द बेसिस ऑफ बीटा। हायर बीटा का मतलब हायर सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, तो हायर द बीटा मीन्स हायर सिस्टमेटिक रिस्क। और रिस्क अगर ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, ये प्रिंसिपल रूल है स्टॉक मार्केट में, हम कहते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, और रिस्क से रिस्क है, तो आप उस स्टॉक को परचेस कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आप रिस्क
जी सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लगाइए यार, आपको लगता है कि यार मैं रिस्क को एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस लेवल तक, तो आपको स्टॉक अच्छा रिटर्न भी देके जा सकता है। तो बट हाउ टू डिटरमाइन द पोजीशन, मतलब बुलिश मार्केट है बेरिश मार्केट है, उस केसेस में बीटा के हिसाब से क्या जजमेंट लिया। बुलिश मार्केट में ये देखा जाता है कि जिन स्टॉक विच हैव हायर बीटा, ठीक है, जिनके हायर बीटा है वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? अगर मैं बात करूँ इंडसइंड बैंक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और आपको लगता है मार्केट बुलिश रहेगी आने वाले एक दो साल तक, आपने इंडसइंड बैंक परचेज कर लिया, मार्केट अगर विद इन ईयर 10% राइज होता है, 20% राइज होता है, तो बीटा इन प्रपोर्शन राइज होगा उसके। 10% राइज होता है तो इंडसइंड बैंक 18.2% आपको रिटर्न अच्छा देके जाएगा, एंड दैट इज़ अ गुड रिटर्न, ठीक है। और लेकिन अगर बात करूँ वाइस वर्सा कर देते बेरिश मार्केट में तो क्या होगा, बेरिश मार्केट में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। आप प्रेफर करिए वैसे ऐसे स्टॉक को जिनका बीटा लोअर है, मतलब लेस देन वन है, मैं वैसे स्टॉक को प्रेफर करूँगा। मतलब अगर मार्केट मेरा 10% 20% गिरता है, तो मैं अगर मैं 0.8 बीटा वाले स्टॉक को लेके बैठा हूँ, तो भैया मार्केट 10% गिरेगा तो मेरा शेयर 8% ही गिरेगा, मार्केट 20% गिरेगा तो मेरा शेयर 16% ही गिरेगा, तो मुझे फ़ायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रोपोर्शनली नहीं गिर रहा हूँ, मैं सेम प्रोपोर्शन में नहीं गिर रहा, मैं थोड़ा सा सेफर साइड में चल के चल रहा हूँ, क्योंकि बीटा मेरा लोअर है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द बीटा। आपको आई होप आपको बीटा के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था बीटा का जनरल मतलब, अगर आपको उसे मीनिंग जानना है, क्योंकि अगर आपको देखो बीटा कैलकुलेशन आपके पार्ट नहीं है, बीटा कैलकुलेशन आप मनी कंट्रोल या देर इज एन नंबर वेबसाइट जहाँ से आप बीटा देख सकते हैं किसी स्टॉक का क्या है, ठीक है। हाँ, पोर्टफोलियो की बीटा कैलकुलेट करना कैसे होता है हम वी विल ट्राई टू कवर इट इन अनदर वीडियो, ठीक है। अभी के लिए बीटा का जो जनरल मतलब होता है वो यही होता है, आप यहाँ से समझ जाएंगे। और बीटा आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर की साइट से देख सकते हैं, या फिर मनी कंट्रोल या सो ऑन वेबसाइट, आप वहाँ से पता लगा सकते हैं बीटा क्या होता है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।